हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द व्हिच इज़ द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन सी मास्टर ग्लैंड है? पाइनल, पिट्यूटरी, पेनक्रियस और सलाइवरी ग्लैंड। तो आप सभी को तो पता ही है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड क्या है? पाइनल ग्लैंड जो वो ब्रेन में पाया जाता है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एंडो और एक्सो दोनों है, पेनक्रियास एंडो और एक्सो है, एक्सो क्राइन ग्लैंड है। और सलाइवरी क्या है? सलाइवरी एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका सही आंसर क्या है? पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से। प्रोटीन फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन ऐसे भी पूछ सकता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन और फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, सभी का आंसर क्या होगा? एमिनो एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे नाम क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? वी हैव टू ऑफ दीज एक्सेप्ट। इनमें से सबका दो दो है, किसी एक का नहीं है, क्या है देखते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड, यूरिनरी ग्लैंड, किडनी और यूरेट्रा। एड्रिनलिन किडनी का तो हमको पता है दो होती है, एड्रिनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, तो ये भी दो होती है, दो किडनी के दो ऊपर, दोनों साइड ऊपर में होती है, तो ये भी दो है। यूरिनरी ब्लाडर क्या है वो तो नहीं, यूरेट्रा क्या है? यूरेट्रा जो किडनी से अब यूरिनरी ब्लाडर में आके पहुँचता है, जो ट्यूब है वो है यूरेटर, तो दोनों किडनी से निकलता है, तो ये भी यूरेटर टू है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है यूरिनरी ब्लडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉलम हैज डैश वर्टीब्रेट। स्पाइनल कॉलम में कितने वर्टीब्रेट रहती है? इसका आंसर तो आपको पता ही है, 33 है। हाउ मैनी चैम्बर डज ए ह्यूमन हार्ट हैज? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होती है? ऐसे ऐसे हार्ट का डिज़ाइन होती है, चार चैम्बर होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऐसे होती है ना। तो आंसर क्या है? चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। डिहाइड्रेशन किससे होती है? तो हमको पता ही है डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन अगेंस्ट। बीसीजी वैक्सीन किसे किसके अगेंस्ट में दिया जाता है, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, वो तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। डिप्थीरिया के अगेंस्ट क्या वैक्सीन दिया जाता है? डिप्थीरिया के अगेंस्ट दिया जाता है DPT और DTP, जो भी है DTP और DPT और टिटेनस का भी यही है, डी से डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटेनस, ये है डिप्थीरिया। और टाइफाइड के लिए इंडिया में एक टाइफबार करके वैक्सीन आती है, वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ हार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द सेम फंक्शन ऑफ ब्रेन? तो हार्ट के लिए ECG, ये तो हम सबको पता है, तो ब्रेन के लिए क्या होगा? आप पोज करके आंसर भी देख सकते हो। तो बी आंसर क्या होगा? बी, ईईजी। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ईईजी। और EKG क्या है? EKG हार्ट का ही है, ECG और EKG एक ही चीज़ है। और EGG क्या है? ये इलेक्ट्रो
गैस्ट्रोग्राफी है, इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी है, ईईजी, और ईबीजी क्या है, इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका बी होगा, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के कौन सी पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। और आपको अगर पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम करती है। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, नंबर 10, ऑल आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से सभी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, सिर्फ एक एसेंशियल एमिनो एसिड, वो क्या है। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसका तो आंसर आ जाएगा वेलिन इज एसेंशियल एमिनो एसिड। ट्रायोसिन, ग्लाइसिन, सेरिन, ये सब नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। इस टेबल में आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड देख सकते हो, एसेंशियल एमिनो एसिड हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लिसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एनालिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। तो हमारे ऑप्शन में ये दिया हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, वो तो आपको पता है, हिप्पोक्रेट्स को। आंसर क्या होगा, आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली फीमेल हार्मोन, कौन सी सिर्फ फीमेल हार्मोन है। तो इसका सही जवाब है नंबर ए, लेक्टिन। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट व्हिच सब्सटेंस, प्रेगनेंसी किट में क्या हार्मोन रहती है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ह्यूमन ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन्स, एचसीजी रहती है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, व्हिच वन ऑफ दिस ब्लड एग्जामिनेशन इज सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट, इनमें से मोर सिग्निफिकेंट कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई एस आर से मोर सिग्निफिकेंट एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट है आपका, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ, कैटगट क्या है, कैटगट है 104 है, ये शीप के इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका पाइरोडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ, पाइरोडॉक्सिन का केमिकल नेम क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, विटामिन सी का अगर केमिकल नेम क्या है, स्कर्वी, विटामिन बी टू का नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी का, बी सिक्स का नेम क्या है, पाइरोडॉक्सिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन बी सिक्स, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, किडनी क्या करती है।
অপশন এ টু কন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার, টু কন্ট্রোল বডি টেম্পারেচার, টু রিমুভ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অফ দ্য বডি, টু হেল্প ইন ডাইজেশন। ডাইজেশন মে ভি তো কিডনি কাম নেই করতি হ্যাঁ, টেম্পারেচার মে ভি তো নেই করতি, অর ব্লাড প্রেশার মে ভি তো নেই করতি হ্যাঁ। তো ইসকা আনসার ক্যা হো জায়গা, অপশন নম্বর সি, টু রিমুভ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য বডি, রিমুভ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য বডি। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक शेयर करते हो, कमेंट भी करना अगर कुछ गलत हो रहा है तो कमेंट भी कर देना। क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन कॉज, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है, आयरन गोइटर किसकी डिफिशियंसी से होती है, गोइटर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, आयोडीन गोइटर आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। फिर स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी से होती है। एनीमिया किससे होती है, और रिकेट आपका विटामिन डी और कैल्शियम के डिफिशियंसी से होती है, और विटामिन डी और कैल्शियम के डिफिशियंसी होती है। तो हमारा रह गया क्या, एनीमिया है आयरन डिफिशियंसी की वजह से होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वाटर बैलेंस कौन सी ऑर्गन करती है, वो तो आप सभी को पता है। इसका आंसर होगा बी, किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर, दिखाई दे रहा है ब्लड शुगर। इसका आंसर होगा पोटाशियम ऑक्सालेट एंड सोडियम फ्लोराइड। व्हिच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए कौन सी एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, पोटाशियम ऑक्सालेट एंड सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट। साइट्रिक एसिड आयरन लिमिट टेस्ट में यूज़ किया जाता है किस लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय एमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू क्लोराइड टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू लेड। तो इसका सही आंसर क्या है, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय एमोनिया एज फेरस ऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीडोट इज़ यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सी एंटीडोट यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड किस में यूज़ किया जाता है, इन लोशन टू प्रिवेंट यूवी, टू गिव ग्लो टू स्किन, टू एक्ट एज एस्ट्रिंजेंट, एक्ट एज एंटीसेप्टिक। टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपका लोशन में यूज़ किया जाता है यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लोशन में सनस्क्रीन में देख लेना, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे फॉर्म नहीं होती, बिलिरुबिन, स्टारक्रोबिलिन,
यूरोविलिनोजेन और फाइब्रिनोजेन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन से नहीं बनती है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप ऑफ, नेचुरल किलर सेल्स किस टाइप की होती है, कौन सी टाइप की होती है। नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट टाइप की होती है, ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट टाइप की होती है। नेक्स्ट, एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन इज, एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है इनमें से कौन सी है। एम्फिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजेथिन पेनिसिलिन कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लोएक्सासिलिन, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बूसल्फेन इज, बूसल्फेन क्या है। बूसल्फेन एक ड्रग है, कौन सी ड्रग है। बूसल्फेन एंटी कैंसरस ड्रग है, यहाँ पे एंटी कैंसरस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग, एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग। तो करेक्ट आंसर क्या है, एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग है बूसल्फेन। नेक्स्ट क्या है, हुच वन ऑफ दीज हिप्नोटिक ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाई रेक्टल रूट, रेक्टल रूट से कौन सी हिप्नोटाइज करने वाली ड्रग दिया जाता है। इसका सही आंसर है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट ऑप्शन बी क्लोरल हाइड्रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज, टेट्रासाइक्लिन क्यों माना किया जाता है मिल्क से, मिल्क के साथ लेने के लिए क्यों। टॉक्सिसिटी इंक्रीज, क्या टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड या इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म। तो सही आंसर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ मिलता है तो इनसोल्यूबल चिलेट इज फॉर्म, इनसोल्यूबल चिलेट फॉर्म होती है, इनसोल्यूबल चिलेट फॉर्म होती है इसीलिए माना किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पाइरोडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द, पाइरोडॉक्सिन आइसोनियाजाइड के साथ दिया जाता है क्यों, किससे मिनिमाइज होने के लिए, न्यूरोटॉक्सिसिटी से बचने के लिए पाइरोडॉक्सिन को आइसोनियाजाइड्स के साथ ही दिया जाता है। डार्क वारफरिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क वारफरिन इज यूज्ड इन डिजीज, वारफरिन कौन सी डिजीज में यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन, एंजिना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और थ्रोम्बोसिस। करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बोसिस, वारफरिन थ्रोम्बोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्या है, लेवल ऑफ नॉर इपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन इन, लेवल ऑफ नॉन इपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन इन, किस डिजीज में इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन एलिवेटेड हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिजोपेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस, ग्लूकोमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिजोपेनिया, सिजोपेनिया में नॉरएपिनेफ्रिन एलिवेटेड हो जाती है। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लिसराइल नाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड इन एंजिना पेक्टोरिस बाय, ग्लिसराइल नाइट्रेट एंजिना पेक्टोरिस में किस रूट से दिया जाता है। तो इंटरवेनस रूट, सबलिंगुअल स्प्रे, सबलिंगुअल रूट, ये तीनों रूट से दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एस ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राइन इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन क्या है। ब्राइन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो ब्राइन क्या है, ब्राइन है सोडियम क्लोराइड ब्राइन है, ब्राइन कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
sodium concentrated solution of sodium chloride. Next question क्या है? Next question है beta oxidation is, beta oxidation क्या है? Breakdown of fatty acid, increase level of blood cholesterol, lipolysis of lipoprotein, none of this. तो beta oxidation क्या है? Beta oxidation है breakdown of fatty acid, breakdown of fatty acid. Option number A is correct answer. Breakdown of fatty acid is correct answer. Next question है deficiency of copper cause. Deficiency of copper cause. Copper deficiency से क्या होती है? Night blindness होती है, Wilson disease होती है, Cushing disease होती है या फिर leukemia होती है. Correct answer क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा विल्सन्स डिजीज. विल्सन्स डिजीज कॉपर डेफिशिएंसी के वजह से होता है. कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से विल्सन्स डिजीज होती है. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. और नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है आप लोग कमेंट करके बताना. और नेक्स्ट और हम 35 क्वेश्चन लेके आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. थैंक यू. आज के लिए इतना.